क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम कबीर के दोहे आपको पढ़ा रहे हैं। कबीर सूता क्या करे, देखिए कबीर सूता क्या करे, काहिन देखे जागे, और जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लागे। तो बच्चों सूता, सूता माने होता है सोया हुआ, जाग माने जाग कर, भ्रम त्याग कर, जाग कर या भ्रम त्याग कर, जाके माने जिसके, बिछुड़िया माने बिछुड़ गया, अलग हो गया। तो संदर्भ में वही लिखना कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता ज्ञानाश्रयी शाखा के उच्च कोट के कवि कबीरदास जी हैं, समाज सुधारक भी थे। प्रसंग, तो प्रसंग में बच्चों वही चीज लिखना जिसकी, जिसके संबंधित हम व्याख्या करने जाते हैं, जिससे संबंधित बातें हों। तो प्रस्तुत दोहे में कवि मनुष्यों को ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वे संसार में जन्म लेने के बाद सांसारिक मोह माया के कारण उनसे बिछुड़ गए हैं। बताएं, आदमी जैसे संसार में जन्म लिया तो भगवान को भूल जाता है, और जो है वो अपने आप को सब कुछ समझने लगता है और वो सांसारिक हो जाता है। तो कबीरदास ने यहाँ पर यही प्रेरित किया है कि आप सो क्यों गए हो, आप भगवान को क्यों भूल गए हो। तो वही व्याख्या में देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी निद्रा में पड़ा क्या कर रहा। देखो मोह रूपी निद्रा, यहाँ पर रूपक अलंकार। तू जाग कर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। मोह माया के भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इसलिए कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि तू इस सांसारिक मोह माया का त्याग करके होश में आ जा, होश में आ एवं अपने स्वरूप को पहचाने कि तू है क्या, है ना। तो ये पहचान कि तू परमात्मा का ही एक अंश है और तू परमात्मा भूल गया। वास्तव में मनुष्य का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वे परमात्मा से बिछुड़े हुए जीवात्मा हैं जो उनसे अलग होकर सांसारिक कष्टों को भोग रहे हैं। कौन यही सब आदमी जो भगवान को भूल गए हैं, उन्हें परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करना चाहिए और जिससे उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिले। अतः सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा से एकाकार करना आवश्यक है। बच्चों काव्य सौंदर्य में मैंने हर दोहे में बताया कि भाव पक्ष और कला पक्ष दो पक्ष होते हैं। भाव पक्ष में ये लिखना कि जीवात्मा परमात्मा का अंग है, मानव शरीर धारण करके अज्ञानतावश वह परमात्मा से बिछुड़ जाता है, अपना ज्ञान पाकर उनसे, किससे, परमात्मा से मिलता है। अज्ञान को ही कवि ने निद्रा एवं ज्ञान को जागृत बताया है। रस बच्चों जहां भक्ति की बात हो वहां रस शांत होता है। कला पक्ष में बच्चों भाषा सधुकड़ी छंद दोहा अलंकार यमक और गुण प्रसाद सत शक्ति लक्षणा। भाव साम्य में देखो, भाव साम्य में अगर वही बात कहीं अंत कही गई है किसी कवि के द्वारा तो वहां उसको भाव साम्य के द्वारा हम प्रकट करते हैं। तो तुलसीदास ने सांसारिक विषयों से विरक्त को ही जागृत या जागने का अगर लक्षण बताया, अगर संसार के में हम मोह ना करें तो उसको जागना बताया। और तुलसीदास ने भी लिखा है कि जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। धन्यवाद बच्चों। इसी तरह से आप लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने हिंदी साहित्य का ज्ञान बढ़ाते रहो। धन्यवाद।